हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्योर लॉक। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरी यूथ नेचुरल प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल पैक का रिव्यू, जिसमें है चॉकलेट एंड चेरी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ऐसा मैंने सुना है, और काफ़ी मैंने इसके रिव्यू देखे हैं और वीडियोस देखे हैं, तो मुझे इसको ट्राई करना था और मैंने इसको पर्पल से ख़रीदा है बहुत टाइम पहले और मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। तो आज मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरा इस प्रोडक्ट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप बिना किसी टेंशन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं और मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द ही मिल जाएं। इसीलिए आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भी ज़रूरी है, ताकि आप जल्दी से मेरे आने वाले न्यू वीडियोस को देख सकें। सो ये सब आप कर लें, एंड अगर आपने ऑलरेडी ये सब कुछ किया है तो इसके लिए थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हुई इस फेस पैक के बारे में। सो ये बहुत ही अच्छे ब्रांड का, एवरी यूथ ब्रांड का बहुत ही अच्छा फेस पैक है, प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल पैक, जिसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चेरी एंड चॉकलेट। सो इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, चॉकलेटी चेरी लाइक इसकी स्मेल है। तो इसके पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है एवरी यूथ नेचुरल्स का प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल स्क्रब, जिसमें चॉकलेट एंड चेरी है, लेकिन वो स्क्रब है और ये फेस पैक है। तो अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं एक ही यूज़ में, तो आप पहले उसी से स्क्रब करें एंड सेम फेस पैक को यूज़ करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो या मेरे साथ क्या हुआ वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें, एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो फर्स्टली मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँगी। इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये एक ट्यूब फॉर्म में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी है, रनी भी नहीं है, काफ़ी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। ईजीली ये स्किन में लग जाता है, ऐसे बहुत ही थिक नहीं है कि एक ही जगह पे बैठा हो फेस पैक, वो अच्छे से हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, एंड मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी लग्जरियस पैकेजिंग है इसकी। तो इसके पहले जो मैंने स्क्रब आपके साथ शेयर किया था वो भी इसी तरह था, तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। एंड प्रोडक्ट की जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इस प्रोडक्ट को आप वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको 2 से 3 बार इसको यूज़ करना है अपने फेस पे। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे वीक में एक ही बार यूज़ करें, क्योंकि इस प्रोडक्ट में है काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि हमारे फेस के लिए हार्म हो सकते हैं, एंड इसमें पैराबेंस भी हैं। तो मैं तो बिल्कुल आपको वीक में 2 से 3 बार यूज़ करो ऐसा नहीं कहूँगी, आप वीक में इसे एक बार यूज़ कर सकते हो, या फिर कभी आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा टैन लग रही हो, डल लग रही हो, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे यूज़ करने से पहले स्क्रब करते हो, देन आफ्टर इसको यूज़ करते हो, तो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। तो इसके बेनिफिट्स तो यही है कि आपकी फेस को अच्छा क्लीन कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ग्लो का तो मुझे कुछ लगा नहीं, मैंने इसको बहुत टाइम यूज़ किया लेकिन मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ गया हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरे साथ। एंड टैन को हल्का बहुत रिमूव कर देता है, अगर आपकी फेस बहुत डल है, थोड़ी टैन हो गई है, तो या उसको ये रिमूव कर देगा, लेकिन ऐसे ग्लो या ब्राइट आपका फेस नहीं होगा इसे यूज़ करने के बाद। तो ये थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि इतने अच्छे इंग्रेडिएंट हैं तो थोड़ा सा फेस पे ग्लो ला लेता तो अच्छा फ़ायदा हो जाता था, बट कोई बात नहीं। एंड इसकी जो प्राइस है वो है
₹99 एंड प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो है 50 ग्राम। सो काफ़ी अफोर्डेबल है, आप इसको अगर ख़रीदते हैं तो काफ़ी टाइम ये चल जाएगा, क्योंकि मैं तो इसको डेली यूज़ नहीं करती हूँ, वीक में एक हाथ बार इसको यूज़ कर लेती हूँ अगर मुझे थोड़ा सा टैन फील कर रहा हो तो। तो इसे यूज़ करने के बाद कोई भी मेरे फेस पे प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब आप इसको यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, जलन सी फील होती है इसे अप्लाई करने के बाद, पता नहीं क्यों। लेकिन मोस्टली हम कोई फेस पैक यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा जलन हमें स्टार्टिंग में होता है, देन जब वो सूख जाता है तो जलन ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ इसके साथ है, इसे अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी जलन होती है, बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जलन हो तो इसे तुरंत फेस से हटा दे। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो ज़रूर पैच टेस्ट ले लें, क्योंकि ये हर किसी को सूट करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें पैराबिन्स है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है। तो मेरे ख्याल से आप इसको अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से इसे यूज़ करें, लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे तो जलन होती है अभी भी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं इसको रिपर्चेस तो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि टैन के लिए अगर आप घर में बने कोई फेस पैक यूज़ करते हो तो टैन आपका इजीली रिमूव हो जाएगा, तो ऐसे फेस पैक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अगर आपकी स्किन टैन है तो। तो मैं तो इसको रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये उतना खास वर्क नहीं करता है मेरे फेस पे। अगर आपको पसंद है तो आप इसको लगा सकते हैं, रिपर्चेस कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं उसको, बट मेरा एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ कि मैं इसको रिपर्चेस नहीं करना चाहूँगी। अदरवाइज़ अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा काम वगैरह करता है और मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं अगर होममेड DIY पैक्स अगर यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा बेटर है, वो उतना स्किन को इरिटेशन नहीं देते हैं, जलन फील नहीं कराते हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं बस आपको इतना ही कहूँगी कि अगर आप इसको एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो इसका पाउच मिलता है छोटा, 50-20 रुपीज़ का ऐसा कुछ, तो आप वो ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये ट्यूब परचेस कर सकते हैं। ये जो फेस पैक है ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं, एंड आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। मैंने इसको पर्पल से ख़रीदा था तो ये मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस में मिल गया था, तो अगर आप ट्यूब खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन खरीदें ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। सो यही था मेरा रिव्यू आपके लिए। तो इसमें ऐसा भी लिखा है कि विजिबल रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट यूज़, तो या ये फर्स्ट यूज़ में अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। अगर आपकी स्किन में हल्की सी टैनिंग है तो या थोड़ा सा स्किन ब्राइट हो जाएगा, टैन रिमूव हो जाएगी एंड थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पैराबिन्स है तो आपको इसको डेली यूज़ करना सही नहीं रहेगा आपके स्किन के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।